तो हेलो गाइस, सॉरी फॉर लेट गाइस। ये वीडियो बहुत ही लेट हो गई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और बनाने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो कोई नहीं गाइस, इसी सब बातों को छोड़ करके वेलकम बैक टू माय चैनल अंशुमन द लेजेंड किंग प्लेयर। तो गाइस, आपको तो पता ही होगा मैंने पहले से ही ट्रेलर निकाल करके रखी थी इस गाने की। तो गाने का नाम था तेरी गलियां, एक विलेन फिल्म की गानी है। तो इसी गाने को आज हम लोग पियानो पर बजाने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, जैसा कि मैंने पहले इसके ट्रेलर में बताया था, क्योंकि आज हम लोग टोन्स को चेंज करके हम इस सॉन्ग को बजाएंगे और आपको हम नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइज, पहले हम लोग इस गाने को पूरा बजा लेते हैं, आप लोग सुन लीजिए, फिर हम लोग इसके ट्यूटोरियल को करेंगे जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं। गाइस लेट्स स्टार्ट। टोन को हम लोग चेंज करते रहेंगे बीच बीच में। Thank you.
सो गाइस ये हमारी पूरी गाने बजती है इसी तरीके से। तो आइए अब हम लोग इसके ट्यूटोरियल पे चलते हैं। तो गाइस इस गाने की जो ट्यूटोरियल है वो सबसे पहले हम लोग T6 मोड में बजाते हैं। यदि आप मेरे तरह ही टोन्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप मेरे टोन्स को फॉलो करें, या नहीं तो आप अपने मन से भी टोन्स को चेंज कर सकते हैं। तो पहले जो टोन हम T6 को चूज़ करते हैं, और जो कुछ कुछ लाइन्स बोली जाती हैं उसके बाद जो म्यूजिक आता है तो वो सबसे पहले डी से शुरू बात हम लोग करते हैं। डी डी ए फिर डी ई एफ एफ हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ऐसे आपको करना है D D A D E F F। हम लोग एक बार एक साथ बजाते हैं, हम लोग ऐसे करके बजाना है। फिर अगली बार हम लोग जो इसको रिपीट करेंगे इसमें हम लोग कुछ ऐड करेंगे, जैसे हम लोग डी डी ए डी ई एफ करते हैं तो एक और बार एफ बजा के हमें ए जी ऐड करना है, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। रिकॉर्ड बार एफ फिर ए जी, उसी प्रोसेस को अपनाना है, बस एक बार एफ और एक बार ए फिर जी। एक और बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फिर इसी को हम लोग रिपीट करेंगे और उसमें हम लोग एक बार एफ दे करके ई को जोड़ेंगे, बस यही डिफरेंस है। पहले जो है ये कंप्लीट हो जाती है, इसको हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसे हमें दो बार रिपीट करना है, फर्स्ट में जब हम लोग बजाएंगे बस इसे यहीं तक छोड़ देंगे, फिर उसके बाद जो हमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को दो बार बजाना है और उसे एक ही बार बजा के स्किप कर देना है, बस हमें ये करना है। एक बार हम लोग फुल इसका ये प्रैक्टिस करते हैं। को हमें दोबारा रिपीट करना है, उसके बाद हम लोग T2 सेट करते हैं। जो इसमें म्यूजिक आती है उसे हम लोग T2 ऑर्गन में बजाते हैं और वो शुरू करते हैं हम लोग ए से। ए को 4 बार, फिर जी को 3 बार, फिर ई को 4 बार और डी को 5 बार। 4 3 4 और 5, 4 3 4 5, इसी पैटर्न पे हम लोग बजाते हैं। एक बार मैं आपको बताता हूँ, पहले 4 बार ए, फिर उसके बाद 3 बार जी, फिर 4 बारी, फिर 5 बारी। इसी को हमें बजाना है और जो इसके बाद जो हम लोग एक और बारी से रिपीट करेंगे उसमें हमको जी जोड़ देना है, बस आप देख सकते हैं यहाँ पर। कि आपने यहाँ पर देखा मैंने जी को पहले दबाया फिर ए को दबाया, तो फर्स्ट में हम लोग सिर्फ ए को बजा करके ट्यून को रिपीट करेंगे, फिर हमें जब बाकी 3 बार इस ट्यून को रिपीट करना है वो जी लगा करके करना है। ये मिस्टेक से बच गया, इसे हमें जी लगा करके करना है। तो उसके बाद जो हम लोग मेन लाइन को सेट करते हैं वो T6 पर, फिर से बेल की ट्यून पर हम इसे सेट करते हैं और यहाँ ये शुरू होती है ए से। ए को हमें 2 बार बजाना है, फिर ई और ए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे हम लोग ने यहाँ पर डी और ए को किया उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर करेंगे। 2 बार ए, फिर 1 बार ई, फिर ए, फिर बी और डबल सी। अब इसमें भी हम लोग आगे की 2 को टोन को जोड़ेंगे ई डी, फिर आपको पता ही होगा इसके आगे क्या करना है, हमें इस टोन को बजाना है और इसमें
जब हम सी दबाएंगे तो सी को एक और दबा करके बी को रिपीट करना है, जैसा कि सेम टोन जैसा कि हमने इस डी के साथ किया था। तो हम लोग इसे एक बार बजा लेते हैं। हम लोग को बी एक ही बार बजाना और यहीं पर इसे स्टॉप कर देना है, जैसा कि मैंने अभी इस बार बजाया था। तो अब हमारी आती है मेन लाइन, जो कि टी वन से हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके हम लोग ये करना है, यही तीन से हम लोग को बजाना है और ये इसमें जी इन्वॉल्व होगा, जिसकी आप देख सकते हैं। कैसे होगा, ए बी फिर सी सी फिर बी सी फिर बी ए और फिर जी, ऐसे करके फिर हमें जी को एक और जाना है, फिर डबल ए फिर बी, ऐसे हमें करना है। इसी को हम लोग दो बार रिपीट करते हैं। के बाद जब हम लोग एक और बार जी बजाएंगे फिर से उनको 5 टाइम्स ए बी का कॉम्बिनेशन करना है। और दो बार सी, तो हम लोग इसे एक बार बजा लेते हैं। यह हमारी मेन लाइन कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर से एक लाइन आती है T6 से, हम लोग इसे शुरू करते हैं पैराग्राफ वाली लाइन। ये शुरू होती है E से, ट्रिपल E फिर सी सी फिर चार बार B। उसके बाद ट्रिपल C फिर डबल E और फिर चार बार D, यही पैटर्न से चलता है। ये पैटर्न से चलता है। और उसके आगे वाली लाइन को हम लोग ई से करेंगे, ट्रिपल ई फिर ट्रिपल सी फिर डी ई डी और फिर सी बी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे करके हम लोग को करना है। फिर आगे है फिर ट्रिपल सी फिर डबल ई और फिर चार बार डी, ये हम लोग को रिपीट करते हैं। फिर अब आगे वाली लाइन आ गई जिसमें हम लोग हाई टोन का यूज़ करते हैं, फिर सी डी डी फिर ई डी और फिर सी सी डी सी बी, ये पैटर्न से हम आपको बताते हैं। सी डी डी फिर डी सी सी फिर डी सी बी, इसी पैटर्न से चलता है। फिर इसके आगे है सी डी डी फिर ई फिर यहाँ जी आ जाएगा, डबल बार जी फिर एफ ई और ट्रिपल डी और ई फिर से ई। ये हमको करना है। फिर उसके बाद हम लोग इसी लाइन को रिपीट कर देंगे। उसके बाद जो बीच में स्लो टर्न वाली लाइन आएगी उसे हम करेंगे, फिर दो बार सी फिर पांच बार बी फिर ए बी, हम लोग इसे ही रिपीट कर देते हैं T1 में। इसके बाद जो अगली लाइन आएगी वो T6 पर ही बजेगी,
T6 पर वही सेम लाइन जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि टोन वही रहता है। फिर उसके बाद जो T1 वाली लाइन है उसे हम लोग 3 से चेंज करते हैं, सी से हम लोग बजाते हैं, या हम लोग T1 सेट कर लेते हैं। सी डी ए डी सी फिर ई डी डी, इसमें हम लोग को फर्स्ट टोन बजाना है, आपको पीछे आते जाना है और फिर जी ए बी को रिपीट कर देना है। फिर जी ए बी और फिर 5 बार ए बी ए बी का कॉम्बिनेशन, फिर 2 बार सी, फिर इसी लाइन को रिपीट करना है। हमारे पूरे सॉन्ग की ट्यूटोरियल खत्म हो गई है, और चलिए आइए अब हम लोग आते हैं हमारे नोट्स पर, प्यार के। तो ये रहे हमारे नोट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए रेकमेंड करता हूँ। तरीके लिए हैं, यहाँ से मैंने आपको टोन्स भी ये दे दिए हैं, आपको मैंने बता दिया यहाँ पर कौन कौन से टोन्स देने यदि आप चाहें तो। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इस टोन के बाद T6 जो कि मेन लाइन है, जो बीच की पैराग्राफ आती है, उसकी टोन रिपीट होगी, यहाँ पर मैंने लिख दी है। और उसका T1 में जो भी चेंजेस आएंगे वो मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिए हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ये सबसे बड़ी वीडियो हो सकती है हमारे चैनल की, तो इस बार क्योंकि ये सॉन्ग भी मैंने पूरा कंप्लीट किया था, इसका नोट्स भी बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए थोड़ी सी मुझे लेट हो गई। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही कमाल के पियानो नोट्स के लिए और हमारे साथ सीखते बनने के लिए। सो गाइस थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।